सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं जा रहा हूँ ग्रोसरीज खरीदने और देखते हैं कि यार कनाडा के अंदर $30 के अंदर कितनी ग्रोसरी मिलती है आपको। एंड मैं आ गया हूँ नो फ्रिल्स, जो कि यहाँ पे सबसे बजट फ्रेंडली और मतलब रिलायबल स्टोर माना जाता है ग्रोसरीज के लिए। मैंने पहले भी नो फ्रिल्स की वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे अगर आपको ये निकालना होता है तो इसके लिए आपको 25 सेंट्स का यहाँ पे सिक्का डिपॉजिट करना होता है, लेकिन मैं अभी लाना भूल गया 25 सेंट्स का सिक्का। मतलब हर जगह का अलग होता है, कहीं जगह 25 सेंट्स होता है, कहीं जगह $1 होता है। तो अब ग्रोसरी स्टोर के अंदर चलते हैं और देखते हैं। अगर आप कॉइन वॉइन लाना भूल गए तो आप ये भी ले सकते हो। एंड सबसे पहले भाई मेन चीज़ ले लेते हैं, मैगी ले लेते हैं। और मैगी वैसे तो जनरली कम की मिल जाती थी, लेकिन अब महंगी हो रखी है आजकल, 50 सेंट्स की हो गई। पहले 30 सेंट्स ऐसे मिल जाती थी, 33 सेंट्स की। और थोड़ी सी यूपी नूडल्स भी ले लेते हैं, यूपी भी सेम प्राइस की है, वैसे जनरली यूपी महंगी होती थी लेकिन चलो सेम कर रही है। और ये देखो यार, यहाँ पे जैसे नो फ्रिल्स लोकल स्टोर है तो इंडियन सामान सारा मिल जाता है, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो मिल जाता है, जो जो मेन रिक्वायरमेंट है। जैसे सूरज की नूडल्स रखी हुई है तो आपको इंडिया में नहीं मिलेगी, चिंग्स की नूडल्स रखी हुई है, सारा सामान रखा हुआ है। और आगे भी बहुत सारा मिल जाता है आपको लगभग इंडियन सामान। एक पास्ता सॉस ले लेते हैं, बहुत बढ़िया होती है, टोमेटो एंड बेजिल। आप देख सकते हो इंडियन सारा सामान, मतलब दाले वाले छोले सब कुछ पड़ा हुआ है। और ये शायद बॉइल्ड पीस हैं, चिक पीस ये भी मिल रहे हैं यहाँ पे। और बॉनबॉन केक रस टाइप सब कुछ, वेफर्स क्रैक जैक पंजाबी कुकीज़। और ये देखो यार, ये जो बचपन में डब्बा आता था कुकीज़ का, ये भी मिल रहा है, ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बचपन में खाते थे। तो और इधर सारा फ्रोज़न सामान पड़ा हुआ है, मतलब आपको पराठे भी मिल जाएंगे फ्रोज़न, मतलब टेस्ट ज़्यादा मेरे को बढ़िया लगता नहीं खा। यहाँ पे यार आलमंड मिल्क पहले पड़ा होता था, लेकिन दो तीन बार से आ रहा हूँ भाई, आलमंड मिल्क का सेक्शन ही पूरा खाली पड़ा है। पता नहीं भाई लोगों को क्या हो गया, आलमंड मिल्क ही पिए जा रहे हैं सारे, मतलब आलमंड मिल्क नहीं है कोई भी मिल्क, कोई भी मतलब नॉन डेयरी मिल्क ही नहीं पड़ा था। ये देखो नेस्कैफे की कॉफ़ी पड़ी है $6.79 की। और ये जैम्स का सेक्शन है, जैम्स भरी पड़ी हैं सारी। ये वाली जो जैम है स्मोकर्स की, ये बहुत बढ़िया होती है। ये कपड़े धोने वाला सरफ है, ये भी मेरा ख़त्म हो रहा था तो ये भी ले रहे थे, ये है $7 का। ये सारा इसके बाद मतलब जो रेट होता है, इसके बाद टैक्स भी लगता है। एंड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फ्रेश जूसेस मिलते हैं, कोई भी ले सकते हो। ये सारे लगभग $4-4.5 के हैं। ये 2 लीटर 1.6 लीटर का डब्बा है, ये कौन सा लिया जाए, देखो। ब्रेड की भी बहुत अलग अलग वैरायटीज़ हैं, अभी तो ब्रेड मेरे पास है तो नहीं लेके जानी। और वेजिटेबल्स में से थोड़ी सी टमाटर और वो ले चलते हैं, हरी मिर्च, ये टमाटर। यहाँ पे यार वो वाला सीन नहीं है कि आपने किसी बंदे को बोला कि भाई साहब 2 किलो टमाटर दे दो और वो निकाल के दे दिया, खुद ही लेना पड़ता है। टमाटर का जो रेट है वो है भाई $3 पर LV।
वैसे जनरली कम में भी मिल जाते हैं, 2-2.5 में भी कई बार मिल जाते हैं, लेकिन कम ही नहीं है। ज़्यादा लेते हो तो यार यहाँ पे फंगस भी लग जाती है, इतने खाने नहीं है, कम ही लो। $3 एल बी मतलब हो गए $6.59 पर के जी, तो लगभग 400 रुपये किलो हो गए। और ग्रीन चिलीज ले लेते हैं थोड़ी, ग्रीन चिलीज। बाकी यहाँ पे कैप्सिकम भी लगा हुआ है, $3.50 पर एल बी, यानी वही लगभग 400-500 रुपये किलो हो गई। जैसे मेरे को आने में यार थोड़ा लेट हो गया, 9 बजे तक बंद हो जाते हैं और अभी 8:30 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सारा मतलब सामान रात तक भी थोड़ा ख़त्म हो जाता है। ग्रीन चिलीज तो यार मिल नहीं रही, ख़त्म ही हो रखी है बिल्कुल, तो बस नैचोस लेते हैं और घर चलते हैं। ये वाला रहने देते हैं, नॉर्मल ले लेते हैं। मैं स्टोर के बाहर आ गया हूँ और आप टोटल देख सकते हो, टोटल मेरा बिल आया $33.66 का, और आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें कितने की हैं ऊपर, मतलब इंडिया के टोटल हो गए लगभग 2000 रुपये हो गए। तो आपको मैंने अब दिखा दिया कि $33 मतलब $30 ऐसे लेके जाने थे, लेकिन चलो कोई नहीं, $33 का सामान है, $33 में मतलब क्या क्या सामान आपको मिल जाएगा। एंड मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट बढ़िया व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।